हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 11 जग्स एंड मग्स एंड दिस इज पार्ट वन वीडियो, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे घर में जो अलग अलग टाइप के बाल्टी, मग्स, जग्स, कढ़ाई इत्यादि चीज़ें हैं जिसके अंदर हम पानी भर के रख सकते हैं, उन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। हम पढ़ेंगे कैपेसिटी शब्द के बारे में और ये जानेंगे कि हम किसी भी लिक्विड थिंग को, जैसे पानी, दूध, मिल्क शेक, चीज़ों को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसे हम कौन से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मेजर करते हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास थर्ड मैथमेजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर जग्स एंड मग्स। जग एक ऐसा वेसल होता है जिसके अंदर हम पानी भर के रखते हैं और इसमें से पानी डाल डाल के ग्लास के अंदर से हम पी सकते हैं, और मग भी एक ऐसा वेसल होता है जिसमें हम पानी, कॉफ़ी, दूध इत्यादि पीते हैं। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर हम किसी भी लिक्विड चीज़ को जो फ्लो करती हो उसे हम भर के रख सकते हैं, और डिफरेंस ये है कि इन दोनों में हम अलग अलग क्वांटिटी का पानी भर के रख सकते हैं। जैसे शायद मग में थोड़ा कम पानी आएगा, जग में थोड़ा ज़्यादा पानी आएगा, और जो चीज़ अपने अंदर जितना ज़्यादा पानी भर के रख सकता है उसे हम ये कहेंगे कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आने वाले इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि बन्नी के घर में जो वेडिंग चल रहा है उसमें कौन कौन से एनिमल आए हैं, वो कितना जूस पी रहे हैं और किस एनिमल की कैपेसिटी, पीने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। जब भी हम किसी शादी में जाते हैं तो हमें स्पेशल ड्रिंक मिलता है ना, शरबत, टेस्टी टेस्टी। तो बनी के फैमिली में भी एक शादी चल रही है, वेडिंग चल रही है, और उसके फैमिली में बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया है। बहुत सारे एनिमल्स गेस्ट बन के आए हैं, जैसे डीर, मंकी, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, छोटे छोटे माइस, फॉक्स, कैमल्स, मोंगूस एक्सेट्रा। और सभी गेस्ट को एक एक ग्लास स्पेशल ड्रिंक दिया जाता है जाने पे। स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट वन ग्लास ईच। Everyone finds the drink very tasty. लेकिन कुछ कुछ छोटे एनिमल्स हैं जिन्हें ये पूरा वन ग्लास खत्म करने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे चींटी और रैट। ये दोनों कितने छोटे हैं, क्या इनके पेट के अंदर एक ग्लास शरबत घुस पाएगा? They are not able to finish one full glass, क्योंकि उनके पेट के अंदर की कैपेसिटी छोटी है, जबकि इस ग्लास के अंदर ज़्यादा शरबत है। लेकिन जिस एनिमल के पेट का कैपेसिटी ज़्यादा है वो वन ग्लास शरबत आराम से पी लेगा, जैसे डॉग। डॉग इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास। अब शादी में कुछ ऐसे भी गेस्ट आए हैं जिनकी पेट की कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही है, जैसे एलिफेंट, कैमल, जिराफ, जेब्रा, ये सभी बिग बिग एनिमल्स हैं। सो सम ऑफ दोज एनिमल आस्क फॉर मोर देन वन ग्लास। एक ग्लास से ज़्यादा पीने की कैपेसिटी है उनके पेट के अंदर, इसलिए वो ज़्यादा मांग रहे हैं। तो हम इन फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ ऐसे बिग एनिमल्स के नेम लिखेंगे। नाउ द ट्रबल बिगिंस। अब कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा ग्लास शरबत पी रहे हैं, और कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो एक अपना खुद का ग्लास भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। नाउ बनी वॉन्ट्स, बनी चाहता है कि किसने कितना शरबत पिया, उस चीज़ को हम इस लिस्ट में लिख के दें। यू शुड हेल्प हिम टू फिल दिस टेबल। तो इस ब्लू कॉलम में हमें नेम ऑफ द गेस्ट लिखना है, नेम ऑफ द एनिमल लिखना है कि किसने कितना पिया। तो आपको क्या लगता है, लेस देन वन ग्लास, एक ग्लास से कम किस किस के पेट की कैपेसिटी हो सकती है? तो जैसे एंट, रैट, माइस, बर्ड, इनके पेट की कैपेसिटी एक ग्लास से कम की होती है। ऐसे कौन से एनिमल्स होंगे जो 1 to 5 ग्लास के बीच के जितना शरबत पी पा रहे होंगे? तो जैसे डॉग, कैट, रैबिट, फॉक्स, ये सभी पी पा रहे होंगे। बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस कौन पी रहा होगा? थोड़े बड़े एनिमल्स जैसे जिराफ और जेब्रा। और मोर देन 10 ग्लासेस कौन पी रहा होगा? सबसे बिग एनिमल जैसे कैमल, एलिफेंट, इनके पेट की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वैसे आपके पेट की कैपेसिटी कितनी है? वाटर इन वाटर आउट, मतलब हम कितना पानी पीते हैं और कितना पानी वॉशरूम में जाके बाहर फेंक देते हैं यूरिन के रूप में। क्या आपने भी कभी ऐसा इस बच्चे की तरह सोचा है, अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक यू ड्रिंक इन अ डे? समर में ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा प्यास लगती है, तो हम 10 से 12 ग्लासेस पी लेते हैं, और विंटर में थोड़ी कम प्यास लगती है, पानी पीने का उतना मन नहीं करता ठंडा ठंडा, तो हम 7 to 8 ग्लासेस पानी जितना पी लेते हैं। अब आप क्या गेस कर सकते हैं कि हम
टॉयलेट में जाके कितना पानी अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं? कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट फ्रॉम यू? अबाउट हाफ ऑफ द वाटर दैट वी ड्रिंक इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी इन द टॉयलेट. तो अब तक हमने ये पढ़ा कि जिस भी वेसल में हम ज्यादा पानी भर के रख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी मोर है. और उसी के ऑपोजिट जिस भी पात्र में हम कम पानी भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये बॉटल, उसकी जो कैपेसिटी है वो लेस है. लेकिन अगर हमें मेजर करना है, मान लीजिए हमें ये देखना है कि इस बाल्टी में हम कितने बॉटल पानी भर के डाल सकते हैं, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे? तो उस चीज़ को जानने के लिए हम सबसे पहले एक ऐसी बॉटल लेंगे जिसका मेजरमेंट हमें अच्छे से पता होता है. जैसे 1 लीटर बॉटल, जो हमारे घर के पास जो बिस्लेरी की बॉटल आती है, 1 लीटर का बॉटल, जिसमें हमें फिक्स्ड पता है कि इसके अंदर 1 लीटर पानी ही है. वॉट इज लीटर? लीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग लिक्विड थिंग्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम स्मॉल एल लिख के डिनोट करते हैं. और ऐसे टाइप के बॉटल्स के अंदर जितना भी पानी आता है उसे हम 1 लीटर वाटर बोलते हैं. तो हमें उस तरीके का एक बॉटल लेना है और उसके बाद बाकी के बड़े बड़े बॉटल्स, मग, जग, ग्लास, बाल्टी, बाउल, घर के अंदर जो भी चीज़ हो जिसके अंदर हम पानी भर सकते हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है. बॉटल में पानी भर के दूसरे इन सभी वेसल्स में डाल डाल के ये चेक करना है कि इनमें से कौन से वेसल में 1 लीटर बॉटल से ज़्यादा पानी भर सकता है. यूज़ दिस 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड मोर देन 1 लीटर एंड विच वन होल्ड्स लेस देन 1 लीटर. तो जैसे हमारे टेबल के पहले कॉलम में है लेस देन 1 लीटर, उस 1 लीटर की बॉटल को जब हम डालेंगे तो पूरा का पूरा पानी हम एक छोटे बाउल में नहीं भर पाएंगे, बिकॉज कैपेसिटी ऑफ दिस बाउल इज लेस देन 1 लीटर वाटर. उसी तरह मग, ग्लास, कप और स्पून, इन सभी चीज़ों में हम 1 लीटर से कम पानी ही भर पाएंगे. और उसी के ऑपोजिट मोर देन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर का पानी का बॉटल पूरा खाली हो जाएगा, फिर भी इन वेसल्स में जगह रह जाएगी, हम और भी पानी डाल सकते हैं. मीन्स दीज थिंग्स कंटेन्स मोर कैपेसिटी, दीज थिंग्स हैव मोर कैपेसिटी, जैसे बिग कुकिंग पॉट, कढ़ाई, जग, बकेट, सॉस पैन एक्सेट्रा. लुक एट द बकेट ऑफ योर हाउस एंड ट्राई टू गेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड. कि अगर हमें इस बाल्टी को पूरा भरना है, पूरा टॉप तक पानी भरना है, तो हमारे उस 1 लीटर पानी बॉटल को भर भर के कितनी बार हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा. तो आप देखेंगे बाल्टी भी खैर बहुत छोटे बड़े साइजेस की होती है, तो लगभग 25 to 30 liters ऑफ वाटर इस बकेट में आराम से भर जाता है. इसी चीज़ को आप अपने 1 लीटर बॉटल के साथ पानी भर भर के डाल के भी चेक कर सकते हैं. घर में छोटा बाल्टी होता है, बड़ा बाल्टी होता है, और पूजा घर में यूज़ करने के लिए एकदम छोटे साइज़ का बाल्टी होता है, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग गेस करना है. तो मेरे घर में जो 3 तरह के बाल्टी थे, सबसे बड़ी बाल्टी जो मुझे लग रहा था 30 liters है, उसमें मैं फिर 1 लीटर बॉटल से चेक करूँगी. चेक करने के बाद मैंने देखा कि उसमें एक्चुअली 35 लीटर्स पानी भर रहा था. जो छोटा पूजा घर में रखा हुआ छोटा सा बाल्टी था, मुझे लग रहा था 5 लीटर जितना पानी उसमें भर सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब मैंने 1 लीटर बॉटल से डाल डाल के पानी मेजर किया तो मैंने देखा 3 liters जितना पानी भर रहा था. और जो मीडियम साइज़ का बाल्टी था, मुझे लग रहा था उसमें 10 liters पानी भर सकता है. 1 लीटर पानी की बॉटल से चेक करने के बाद मैंने देखा कि इसमें 15 liters पानी भर सकता है. अब सबके घर में बाल्टी का जो साइज़ होता है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आपके जो आंसर्स होंगे वो भी आप खुद मेजर करके लिखिए, क्योंकि शायद थोड़े कम ज़्यादा हो भी सकते हैं. लेकिन सभी वेसल्स में 1 लीटर जितना पानी नहीं भरता, उससे कम भी भरता है, उससे ज़्यादा भी भरता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस हैं जिससे कि हम पानी या फिर कोई भी लिक्विड थिंग जैसे मेडिसिंस, मिल्क शेक, मिल्क इत्यादि मेजर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि 1 लीटर से कम कितना चीज़ एक्चुअली में कितना होता है. तो जैसे इस फर्स्ट फोटो में अगर आप मेडिसिंस कभी खाए हुए हो तो आपको यहाँ पे ये कप में आपने ये लाइंस ज़रूर देखे होंगे. देखिए तो जूम करके इसमें क्या लिखा है, 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml, 10 ml. ml का मतलब है मिली लीटर, MILLILITRE. इस तरह के पूरा कैप के एज तक, ऊपर तक अगर आप मेडिसिन भर देंगे तो उसके अंदर जितना भी मेडिसिन होगा वो होगा अबाउट 10 ml मेडिसिन.
उसी तरीके से सिरिंज के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग्स लिखा हुआ है। अगर सिरिंज के यहाँ से हम सख करके कोई भी लिक्विड अंदर लेते हैं, यहाँ तक जितना लिक्विड आता है वो 5 मिलीलीटर जितना मेडिसिन होता है। अगर मैं यहाँ तक कुछ भी लिक्विड को मेजर कर रही हूँ वो 10 मिलीलीटर जितना लिक्विड होगा। अगर मैं यहाँ तक मेजर कर रही हूँ तो वो 20 मिलीलीटर जितना लिक्विड या फिर मेडिसिन होगा। उसी तरीके से 10, 20, 30, 40 मिलीलीटर पानी या फिर कोई भी लिक्विड को जमा करते करते हम 100 मिलीलीटर तक जमा कर सकते हैं। और हमारे छोटे बच्चों की दूध की बॉटल में भी 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके की मार्किंग लिखी हुई होती है। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? अगर आपके घर में दूध वाला दूध देने आता है तो उसके पास भी इस तरीके का मेजरिंग डिवाइस होता है। उसका जो छोटा वाला कंटेनर होता है वो मे बी अराउंड 500 मिलीलीटर जितना दूध भरता है उसके अंदर, और जो बड़ा वाला उसका कंटेनर होता है वो होता है 1 लीटर जितना, उसके अंदर 1 लीटर जितना दूध भर सकता है। अब 1 लीटर कितना होता है? 100 मिलीलीटर डालने के बाद उसमें हम और 100 डालेंगे, बन जाएगा 200, फिर 300 बन जाएगा, फिर 400 बन जाएगा। ऐसा डालते 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 जब हम 1000 मिलीलीटर जितना हम लिक्विड जमा कर लेंगे, अब इतने सारे जीरो लिखने में कभी कभी मुश्किल आती है, इसीलिए हम 1000 मिलीलीटर को एक साथ 1 लीटर बोल के लिखेंगे। एंड दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। हम में से बहुत सभी बच्चों के घरों में इस टाइप के मेजरिंग कप भी मौजूद होंगे जिसका इस्तेमाल हम किचन में करते हैं। कभी कभी हमारे डिश में 1 लीटर वाटर या फिर 1/2 लीटर वाटर इतना मेजर करके डालना होता है। उस टाइम यहाँ तक अगर हम पानी मेजर करके डालते हैं वो 1 लीटर जितना पानी होता है। 1000 का 1/2 होता है 500, तो 500 तक जितना अगर हम पानी मेजर करके कहीं पे डाल रहे हैं हम उसे 1/2 लीटर वाटर या फिर 1/2 लीटर लिक्विड बोलेंगे। और इस टाइप के मेजरमेंट्स को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है, जिसमें जो गिवन मेजरमेंट्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, स्टैंडर्ड रहते हैं। इसीलिए हम हमेशा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मेजर करते हैं उन्हें इस टाइप के स्टैंडर्ड डिवाइसेस के साथ ही मेजर करते हैं। तो उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द राइट पेयर। यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में कुछ मेजरमेंट्स लिखे हैं जैसे 12 लीटर, 1/2 लीटर, 5 लीटर एंड सो ऑन, और राइट साइड में हमारे पास कुछ पिक्चर है। तो हमें ये बोलना है कि कौन से चीज़ के अंदर कितना लिक्विड हम मेजर कर सकते हैं, करके रख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो ये हमें गेस करके लिखना है। तो सबसे पहला देखिए 12 लीटर लिखा हुआ है। 12 लीटर मतलब बाल्टी के आसपास जितने का पानी। तो पहला एक मेजरिंग कैन है, दूध वाला कभी भी हमें 12 लीटर मिल्क नहीं देता, ये लगभग 1/2 लीटर या 1 लीटर जितना होता है। टंकी के अंदर बहुत सारा पानी आता है ये तो नहीं हो सकता, लेकिन बाल्टी हो सकता है। तो हम इस 12 लीटर का मैच बकेट के साथ करेंगे। उसके बाद लेस देन 1/2 लीटर लिक्विड किस में आ सकता है? दूध वाला जब हमें दूध देता है तो या तो वो 1 लीटर देता है, नहीं तो 1/2 लीटर दूध देता है, नहीं तो 1 से ज़्यादा देता है। इससे कम दूध तो शायद ही कोई लेता है और इस टाइप का डिवाइस का यूज़ करता है। तो ये जो लेस देन 1/2 लीटर होगा ये वाला मेजरिंग मिल्क कैन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो ये छोटा सा आई ड्रॉप है, मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर कम लिक्विड रहता है, तो ज़रूर इस लेस देन 1/2 लीटर का मैच ये वाला आई ड्रॉप ही होगा, जिसमें लेस देन 1/2 लीटर शायद 10 ml जितना मेडिसिन लिक्विड रहता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 लीटर। 5 लीटर आप ध्यान से देखिए, जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ एक वाटर कंटेनर लेके जाते हैं जो कुछ इस तरीके का होता है। तो इस टाइप का जो पिचर होता है, घड़ा होता है, इसमें लगभग 5 लीटर जितना पानी आराम से आ सकता है। नेक्स्ट इज 1000 लीटर। लीटर तो वैसे ही ज़्यादा होता है, उसके ऊपर 1000 लीटर, ये बहुत सारा पानी है। तो बहुत सारा पानी सबसे बड़े वाले कंटेनर में आएगा, तो इस टंकी की कैपेसिटी है 1000 लीटर। और उसके लास्ट में 1/2 लीटर मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट रह गया था, तो ये ज़रूर वही डिवाइस होगा जिससे दूध वाले अंकल हमें दूध मेजर करके देते हैं। तो 1/2 लीटर का मैच इस डिवाइस के साथ, इस वेसल के साथ। हमारे घर के सभी जग्स और ग्लासेस अलग अलग साइजेस के होते हैं, तो हमारे पार्ट टू वीडियो में यही एक्टिविटी हम करके देखेंगे कि हुज जग होल्ड्स मोर, किसके जग में ज़्यादा पानी आता है। सो लेट्स मीट वेरी सून, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।